स्क्वेयर आएगा तब रेड जो स्पॉट है वो स्क्वेयर बनेगा तब रिकॉर्ड होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। हाँ, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में हो सकता है कहीं प्लस माइनस का दिक्कत हो गई हो, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, इस बहाने रिकॉर्ड भी हो जाएगा। आई थिंक वर्टिकल फिगर बनाया था, वैसा ही बना लो। लेट R be the, M be the mass of disk and R be the radius of disk। और ये डिस्क का एक्सिस है जिसके मुझे R डिस्टेंस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक एलिमेंट्री रिंग मानी, इसके लिए हमने एक एलिमेंट्री रिंग मानी और उस रिंग का रेडियस किसके बराबर है, x के बराबर, और थिकनेस किसके बराबर है, थिकनेस किसके बराबर है, dx के बराबर। दोबारा से मैं अगर रिमाइंड करके चलूं, एक काम करता हूं, मैं ये डिस्टेंस x ले लेता हूं, ये किसके बराबर ले लेता हूं, r के बराबर ले लेता हूं, एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस विल बी इक्वल टू जी एम इंटू आर डिवाइडेड बाय व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी वजह से है, ड्यू टू ए रिंग ऑफ मास m रेडियस x, ठीक है। और यहां पर अगर मेरे पास r किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, तो डेफिनेटली हमारे पास रिंग के सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। अगर रिंग के सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो रिंग से ही तो बन करके आपका क्या बनी है, डिस्क बनी है, तो उसके सेंटर के ऊपर भी क्या होनी चाहिए, आपकी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। लेट वी थिंक, नहीं तो देखते हैं कोई और मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा क्या। तो हमारे पास डी आई हो गया, किसके बराबर हो गया, डी आई हो गया जी डी एम आर डिवाइडेड बाई एक्स आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर व्हाट, 3/2। इसका इंटीग्रेशन करना है, डीएम को बदल लेता है, डीएम को बदलने लगे हम, डीएम कैन बी रिटन एज एम अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस रेडियस इज आर, एम अपॉन कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स, टू पाई एक्स डी एक्स। यहां पर मेरे पास क्या कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और डी आई मेरे पास कैलकुलेट होकर के आ गया जी एम आर टू भी, ये वाला आर तो लिखूं, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, लगता है इंटीग्रेशन तो हमने ठीक ही किया है। आई हो गया कैलकुलेट होकर के, हमारा आई कैलकुलेट होकर के हो गया टू कांस्टेंट, जी कांस्टेंट,
एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट द पावर थ्री बाय, ठीक है। मैथमेटिक्स वालों का वो फार्मूला एफ एक्स रेस्ट द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स वो नहीं लगा रहा, मैं शुरू से चल रहा हूं फंडामेंटल लगा करके फिर कर रहा हूं। पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, जेड स्क्वायर के बराबर। तो यहां से मेरे पास डिफरेंशिएशन कर दिया, आर कांस्टेंट है 2x dx is equal to 2z dz, 2 से 2 कैंसिल हो, तो यहां से मेरे पास यहीं पर लिख लेता हूं व्हेन x is equal to 0 z is equal to r एंड व्हेन x is equal to r z is equal to r square plus r square स्क्वायर रूट। कितने लोगों को समझ में आया, एक्स आपका किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो आपका जेड किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया, प्लस माइनस आर हो सकता है, आर के बराबर हो गया, और जब आपका एक्स किसके बराबर है, प्लस आर के बराबर है, तो जेड आपका किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसलिए मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं बेटा, 2gmr डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ r टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स जब जीरो था तो जेड किसके बराबर है, आर के बराबर है, एक्स जब कैपिटल आर के बराबर है तो जेड किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर है। इनटू एक्स डी एक्स बोले तो जेड डी जेड, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड से जेड क्यूब, जेड क्यूब यही वाला हमारे पास। तो ये बात मेरे पास कुछ ऐसे बनी 2gmr अपॉन r स्क्वायर, और ये बना मेरा z के पावर माइनस टू डी जेड, और इंटीग्रेशन कहां तक r से r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल 2gmr divided by what? R square, z के पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, कहां से कहां तक, r से r square प्लस r square square root। कितने लोगों को समझ में आया अब तक, मुझे नहीं लगता कि कहीं हमने गलती करी थी। तो ये हमारे पास 2gmr divided by r square, और ये साइन में बाहर नहीं लाता, चलो ये आपका 1 by z हो गया, और मैं इसकी लिमिट उल्टी कर देता हूं, इसको r square plus r square square root से कहां तक, r से, यानी माइनस साइन के एवज में लिमिट को क्या कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया। तो यहां से मेरे पास ये तो वही आ गया लगता है मेरे को, 2gmr अपॉन व्हाट, r स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास 1 by r माइनस 1 by r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बेटा,
अब मुझे ये प्रूव करना है कि भाई आपका, अगर आपका आर किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, आर किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। है बेटा बाहर है बेटा, आर तुम्हें गोली देनी हो तो दे दूं मैं भाई। आर जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो हो गया, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि नीचे, क्योंकि नीचे भी आर है, ऊपर भी आर है और नीचे भी आर। ऊपर वाले आर ने, आर को अगर मैं जीरो पुट करूं तो जीरो हो गया, और नीचे वाले आर को अगर मैं जीरो पुट करूं तो इन्फिनिटी हो गया। इस आर को अंदर ले जाते हैं, ये वन हो गया और ये क्या हो गया मेरा, आर हो गया, वही आया आंसर। अब अगर हम आर को किसके बराबर पुट करें, जीरो के बराबर पुट करें, तो ये तो आपका 2gm बाई आर स्क्वायर आता है। या तो ये वन नहीं होना था, तुमने गलत लिख दिया। नहीं वो तो वहाँ पे जेड स्क्वायर ले लिया मैंने, तो यहाँ टी क्यूब, टी क्यूब ले काट दिया ना, ये टी स्क्वायर लिख दिया ना तुमने, इसको टी क्यूब लिख सर, ये काट दिया, काट दिया तो यहाँ पे टी ना लिखे। हाँ तो ये क्या बेटा तेने, देखिए ये टी स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो टी क्यूब बचा ना। हाँ, पर फिर यहाँ पे क्या करते हैं, -1। हाँ तो फिर वो टी रेज टू द पावर -2 बनेगी ना, तू नीचे यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह टी क्यूब करेगी तो टी रेज टू द पावर -2 बनेगी ना, तो -2 बनेगी, तो टी रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन जब करेगी तो टी रेज टू द पावर -2+1 टी के पावर -1 हो गया, वो तो टी नीचे आ गया और -1 से डिवाइड हुआ, वो तो नहीं, ये माइनस लिख दिया। ठीक है, आंसर वही है, हाँ आएगा ये। बेटा इसमें लिमिट की छोटी सी प्रॉब्लम है, अब मैं ये तो वन है और इसको सॉल्व कर रहा हूं, न्यूमिनेटर को भी मैं आर से डिवाइड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को भी मैं आर से डिवाइड कर रहा हूं, किसको किससे डिवाइड कर रहा हूं, न्यूमिनेटर को भी आर से डिवाइड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को भी आर से डिवाइड कर रहा हूं। न्यूमिनेटर को मैंने आर से डिवाइड किया, वन बन गया, नहीं बात तो वही है, इसको बंद कर दो बेटा।